से भीषण रेल दुर्घटना हुई है। इस बार आमने सामने की भिड़ंत नहीं बल्कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे आ गई थी और दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री मौके पर मौजूद हैं, जबकि सियासी टक्कर भी जारी है। सवाल है कि ऐसे दर्दनाक हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। मालगाड़ी का इंजन यात्री ट्रेन से ऐसे भिड़ा कि आगे वाली ट्रेन के परखच्चे ही उड़ गए, डिब्बे हवा में लहरा गए। यहां एक के ऊपर एक मालगाड़ी के डिब्बे आ गए हैं। ये वीडियो साफ बता रहा है कि आखिर यहां के हालात कैसे हो गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बचाव अभियान जारी है। रेलवे के एडीआरएम, जिला और राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ और आर्मी बचाव कार्य में जुट गई है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। रेलवे के मुताबिक इस दुर्घटना में मालगाड़ी के चालक दल की भी मौत हो गई है। जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है। अब आप एनिमेशन के जरिए समझिए कि कैसे इतना भीषण रेल हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास सुबह एक मालगाड़ी से टकरा गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से आ रही थी। ट्रेन रेड सिग्नल की वजह से रुई धासा में रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी और रंगपानी और निजबारी स्टेशन के बीच भीषण दुर्घटना हो गई। सिग्नल रुकने का मिला हुआ था लेकिन पायलट ने गाड़ी नहीं रोकी। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आपने आप स्वयं जानते भी हैं। अब इस रेल हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जाल माल का नुकसान होता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी सवाल किया है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है। वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जबकि पीएम मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। वैसे आपको बता दें कि ये रेल मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एक्सीडेंट की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। इस दुर्घटना के बाद 19 ट्रेनों को रद्द किया गया है। सवाल है कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।